और तो बढ़िया है ना, आशीर्वाद है तो रहे हैं तो हम भी दिल्ली से आते हैं यहाँ पे घूमने। तो भाई आज हम प्रतापगढ़ के जिले में आए गुप्ता जी बाटी चोखा के दुकान पर, जो यहाँ पर ठेले पे बाटी चोखा बेचते हैं। तो यहाँ इनके यहाँ पब्लिक दीवाना है बाटी चोखा खाने के लिए, आधा से एक घंटा इनके दुकान पर वेट करते हैं पब्लिक। तो ऑलरेडी देख लीजिए पीछे तो भीड़ लगी हुई है। और दादा क्या हाल है? आशीर्वाद है आप लोग की बात तरी तरी जिगरा जिगर रहा है। हाँ, और तो बढ़िया है ना, आशीर्वाद है। तो दादा जी एक ये लोके मतलब कहाँ दुकान पड़ता है, किस जगह? ये राजा पाल टंकी है। राजा पड़तंगी, राजा पाल टंकी, राजा पाल टंकी प्रतापगढ़। तो यहाँ कितने साल से दुकान चला रहे हैं आप? 24 साल हो गया। 24 साल हो गया सिर्फ बाटी चोखा बेचते हुए। तो अंकल जी क्या देख लीजिए, बाटी चोखा बहुत ज्यादा मशहूर है। तो 24 साल हो गया है राजा पाल की टंकी प्रतापगढ़ में। आइएगा एक बार इनके कहाँ बाटी चोखा जरूर ट्राई करिएगा। गुप्ता बाटी चोखा, गुप्ता बाटी चोखा के इनके दुकान का नाम है। तो मैं आप लोग को पूरा दिखा देता हूँ वीडियो चल के आगे। तो यहाँ पर दादाजी उपली को लगा दिए हैं, यहाँ पर बढ़िया से भूज कर इसको बाटी को तैयार किया जाता है। और बगल में दुकान है वहाँ पर देख लीजिए पूरा पब्लिक उधर खा रहे हैं। तो मैं चल के आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ आप लोग के जो जीरा जीरा हाथ की तरह। अच्छा चलो ठीक है। तो अंकल जी है बाबूलाल गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, गुप्ता गुप्ता बाटी चोखा का नाम दुकान है ना जी, जी, जी। तो दादा टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। तो बाटी कैसा बना है? बढ़िया है। तो चलो ठीक है खाइए कोई बात। तो आप लोग को देखने में लग रहा होगा दादाजी काफी वर्षों से यहाँ का खाते हैं, तो यहाँ का बाटी चोखा ज्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बड़े से कड़ाही में ऑलरेडी यहाँ पर उपली का आग बनाया गया है और इसमें बाटी डाला गया है। अब इसको बड़े भैया बाटी को अच्छे से चला देंगे, और क्योंकि बाटी अच्छे से पक जाएगा तो खाने में कोई दूसरा मजा रहता है। क्योंकि 10 मिनट लेट ही शुद्ध यहाँ पर बढ़िया से पका करके अच्छे से इसको यहाँ पर बाटी को दिया जाता है। तो ये यहाँ पर पब्लिक आधे घंटे से एक घंटे से दीवाना रहते हैं इसको खाने के लिए। तो अभी आधे एक घंटे से यहाँ पर लाइन लगा रहता है और भीड़ लगी रहती है काफ़ी। प्रतापगढ़ में सब ज़्यादा मशहूर। तो यहाँ पर देख लीजिए चोखा आ गया है हमारा, और यहाँ ऑलरेडी एक भगोना खाली हो गया, दूसरा भगोना हमारा चोखा आ गया है। तो यहाँ पर बड़े भैया ऑलरेडी देख लीजिए दोने में निखार रहे हैं क्या क्या, इसमें चोखा निकाला जा रहा है और इसमें मूली निकाला जा रहा है और इसमें प्याज प्याज निकाला जा रहा है, और एक प्याज के साथ एक अचार भी रखा जा रहा है, वो भी आम आम का। किसी भी बाटी चोखे के दुकान पे जाते होंगे आम का अचार मिलता है कि नहीं मिलता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तो प्याज और मूली तो मिलता ही होगा क्योंकि मूली का सीजन चल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया डल्लू जो है उसमें घी था, घी में इसको यहाँ पर इसको कटोरों में निकाल दिए हैं क्योंकि यहाँ पर घी में डुबो कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर देख लीजिए बाहर कितना ज़्यादा भीड़ है सिर्फ एक बाटी चोखा खाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी 24 वर्षों से इनके दुकान पर बाटी चोखा मशहूर है। तो गुप्ता जी का बाटी चोखा, तो ऐसे राजा पाल की टंकी इनके कहाँ लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा फेमस। ऑलरेडी एक तो कड़ाही ख़त्म हो गया है, एक यहाँ पर देखिए थोड़ा और बाटी बचा है, मैंने भी ऑर्डर दिया है और ऑर्डर मिलते ही मैं टेस्ट करके बताऊँगा आप लोग का बाटी चोखा इधर का कैसा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर प्रतापगढ़ में है यह बाटी चोखा गुप्ता जी का। तो ऑलरेडी देख लीजिए बड़े भैया दो खा रहे हैं और एक और फिर मांग रहे हैं, तीन खा रहे हैं चौथा मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ का बाटी चोखा खाने में कोई दूसरा मज़ा है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़्यादा, पीछे दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर देख लीजिए चोखा, क्योंकि चोखा सब्जी की तरह खाया जा रहा है, चोखा इनके इतना बेहतरीन बनाया गया है क्योंकि, और देख सकते हैं यहाँ पर मूली भी काट दिए है, प्याज भी काट दिए, दोनों साथ दिया जा रहा है। और इनके यहाँ है अगर बाटी घी वाला लेंगे तो 18 रुपये जोड़ा रहेगा, अगर घी वाला नहीं लेंगे तो यहाँ पर 12 रुपये जोड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कभी कोई लोग घी वाला खाते हैं कोई लोग घी वाला, लेकिन ऑलरेडी तो वो भैया घी वाला डुबो कर देते हैं क्योंकि घी में लगा हुआ बाटी कुछ दूसरा मजा रहता है खाने में। तो क्योंकि अंदर से उसको फोड़ देते हैं और घी में डुबो देते हैं और ये बाटी जो है घी को पी लेता है, तब खाने का तो दूसरा मजा रहता है। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि दुकान पर अभी प्रतापगढ़ में आए और सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं के दुकान पर है क्योंकि पता किया गया 24 वर्षों से इनके दुकान का फेमस बाटी चोखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया यहाँ पर फिर घी डाल दिया और इसमें देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा है, भैया हमको दो भैया हमको दो। तो देख सकते हैं कितना मशहूर है क्योंकि सब सुना जाता है बिहार में सब ज़्यादा मशहूर बाटी चोखा अब हर जगह फेमस हो गया है, बनारस, लखनऊ, सुल्तानपुर और यहाँ पर इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में हर जगह जहाँ भी देखेंगे हर जगह यहाँ पर बाटी चोखा फेमस होता चला जा रहा है। और यहाँ क्योंकि बाटी चोखा खाने का कुछ दूसरा अंदाज रहता है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इसको बाटी चोखा को पसंद करते हैं, जितने बिहार में है बिहार में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि
अगर उपले में इसको बाटी को पका देंगे कुछ दूसरा मजा रहता है, क्योंकि और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसको बड़े भाई चटनी बनाया गया है, तो स्पेशल चटनी इनके यहाँ है और इसके साथ देते हैं और मज़ा आ जाता है खाने के बाद। तो यहाँ देख भीड़ हट ही नहीं रहा है, यहाँ पर आधा आधा घंटे यहाँ पर वेट किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंकल जी भी खा रहे हैं, यहाँ बड़े भैया भी खा रहे हैं, वो पीछे देख सकते हैं वकील भी आए हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बगल में वकील भी आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अंकल जी मगन हुए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोना कम पड़ जाता है, दोना यहाँ पर दूसरा दोना लगाए, क्योंकि इस दोने में खाने में कुछ दूसरा ही टेस्ट रहता है। अब तो दिख नहीं रहा है, तो पुराने ज़माने में बहुत चलता था। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ढाक का पत्ता उसी का दोना बनाया गया है, क्योंकि इसमें खाने का स्वाद कुछ दूसरा रहता है। यहाँ पर इसको पार्सल किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आता रहे तो पार्सल ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसको अच्छे से पार्सल कर दिए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं फिर पार्सल का बड़े भैया का दे दिए हैं। तो यहाँ पर कम पड़ जाता है चोखा और बाटी, यहाँ की 15 से 10 मिनट इनके दुकान पर बाटी और चोखा चलता है, उसके बाद तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बड़े भैया फिर निकालना दोने में चालू कर दिए हैं, और यहाँ पर आर्डर आता रहता है। प्याज देख लो, प्याज का कटिंग करेंगे, प्याज निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देख ले पीछे तो भीड़ लग गई है ऑलरेडी, तो अब देखते हैं बड़े भैया तो मगन हुए हैं खाने में। तो देख ले पीछे आगे से पीछे सब भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर देखिए इसको बाटी चोखा खाने के लिए, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को तो अगर बाटी चोखा कैसा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को फॉलो कर। देख लीजिए हमारे हाथ में बाटी भी आ गया, अब चल के हम टेस्ट बताते हैं आप। तो बड़े भैया हेलो, टेस्ट कैसा है? नंबर एक है। तो भैया आपका टेस्ट चटनी ना डालवा जो आपका, तो कितने सालों से खा रहे हो यहाँ पर? भाई हम तो दिल्ली से आते हैं यहाँ पे घूमने, कभी कभी आ जाते हैं, टाइम मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े भाई दिल्ली से आते हैं घूमने के लिए, इनके यहाँ बाटी चोखा जरूर खा के जाते हैं, 100% खा के जाते हैं। आधे घंटे वेट करना पड़े, वेट करेंगे। हाँ तो आप देख रहे हैं आधे घंटे एक घंटे वेट करना पड़ता है, तो बाटी चोखा जाकर मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंकल जी हैं, अंकल जी टेस्ट कैसा है? अभी शुरू नहीं किए हैं। अच्छा शुरू करिए, टेस्ट बताइए। ठीक है आगे पूछो, आगे पूछो। तो आपका टेस्ट कैसा भैया? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर सभी लोग देख लीजिए बाटी चोखा खा रहे हैं, तो हम भी टेस्ट करके बताते हैं, हमारे हाथ में भी आ गया बाटी चोखा। पर देख लीजिए गुप्ता जी का फेमस बाटी चोखा आ गया, प्रतापगढ़ का सबसे फेमस बाटी चोखा है। तो आप लोग अगर प्रतापगढ़ में आएंगे इनके यहाँ बाटी चोखा जरूर खाइएगा, मैं इनका लोकेशन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो यहाँ पर इनका बाटी चोखा टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसा है। तो भाई साहब साथ में अचार भी दिए हैं, तो टेस्ट तो लाजवाब है। अगर आप आएंगे इनके यहाँ जरूर खाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके जरूर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक।